नमस्ते स्मिता पीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ये न्यू ब्लॉग। अभी चल रहा है रेनी डे वैकेशन मोड। बॉम्बे में थोड़ा बहुत काम था, उसको निपटाए और हमारी वैकेशन की डेस्टिनेशन तरफ निकल पड़े। तो आगे आगे जाके आपको पता लगे कि कौन सी जगह हम जा रहे हैं। नहीं नहीं बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं, कि बहुत बारिश हो रही है। मतलब बॉम्बे का अलग नाम बारिश ही रख दे तो चल। इसमें बैठा है तू? इसमें बैठा है, क्या है इसको क्या बोलते हैं? ट्रेन नहीं बस है। ओके रिशु के लिए ये ट्रेन है, बस नहीं है। लेकिन हम बस में बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद बस में बैठे हैं ना। बैठे हैं, सोए तो थे। सोए हाँ बैठे हैं, सोए तो थे। कहाँ से आए थे हम? सो के याद नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए इसीलिए याद भी नहीं आ रही है कि कहाँ से बैठे। हाँ उदयपुर से आए थे सूरत, सो के आए थे। बस में सफर करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए और ईशु पहुंचते ही पहले उस जगह के जितने सारे खेल की चीज थी सबको एक्सप्लोर कर लिया। फिर अब अपने रूम का की हमको मिल गया तो एक भैया हमको थोड़ी बहुत हेल्प की। तो हम जा रहे हैं और ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है मैं क्या बताऊँ। मतलब इतने बहुत ही अच्छी रूम ली थी, अच्छा वाला साइट सीन हो रहा था यहाँ से। अच्छा है? तू खाएगा? लेट मी स्पील आउट द नेम ऑफ दिस जगह। तो इस जगह का नाम है मानस रिजोर्ट, जो इगतपुरी में है, बॉम्बे और नासिक के बीच में इगतपुरी आते हैं। तो रिशु मतलब हमको तगड़ा भूख लग रही थी तो हमने पहले जाके हाथ मुंह धोए और खाना खाने के लिए चले गए। यहाँ पे ना दो स्विमिंग पूल थे लेकिन अभी रेनी डे में किस काम के नहीं थे। ये ऊपर वाला बड़ों का था और नीचे में एक था जो छोटे बच्चों के लिए था। ये जगह में इतना कोहरा हो गया था कि मतलब नीचे वाला व्यू दिख ही नहीं रहा था, इतना कोहरा हो गया था। मैं बस चेक कर रही थी कि कौन सी जगह पे खड़ी रहूं कि अच्छे वाले लाइट आए, थोड़े से फोटो खींचे। मतलब रिशु का अलग ही था कि मुझे क्यों सुनो नहीं जाने दे रहे हो आप लोग। मुंडर दे मुंडर दे मुंडर दे रिशु, मुंडर दे दिया ठीक है। लिया मैंने ओमा, देखो उनके हाथ में देखो कितने सारे, देखो तुमको करना। हाँ हाँ बोला गया 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 ये देखो देखो रिशु देखो पास में कौन है, वो ये कौन है? ओ पैंट हाँ धीरे से हाँ वाओ मानस रिजॉर्ट। अरे रिशु 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 पागल हो गया क्या तू? इसको ना सिर्फ पानी चाहिए लड़के को। और देखो कितना फॉग फॉग है इतना, मतलब सिर्फ 5:30 हुआ है और इतना कोहरा नीचे का पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी। कुत्ते और यहाँ पे अभी एक हॉर्स आ गया है तो उसके ऊपर शायद रिशु बैठे। कुत्ते के साथ तो रिशु जम के खेल गया है ना, उसके पापा डर रहे थे। ओ माँ कोहरा के कारण ना मतलब मेरे नाक बह रहे थे तो मैं इसलिए मास्क लगा के आ गई इस बार, क्योंकि छींक ना आए। भी लोग सोचे कि इसको कुछ हो गया है इसलिए मैं पहन के आ गई। और इतना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ पार्क सिटी है, पार्क सिटी। हाय हाय इसे हाय बोलो। मेरा नाम संदीप पटनायक है। तेरा नाम संदीप पटनायक है तो तेरे पीछे वो कौन है? मेरा नाम रिशु पटनायक है। मम्मी को दिखा रहे हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। और यहाँ पे रिशु का टीवी, उसका कार्टून चैनल। हमारा रिशु सर ना मतलब देखो यहाँ पे भी रिशु करने आ गए, चड्डी पहन के बस कमाल दिखा रहा है अपना। और हम देख ही रहे हैं क्योंकि हम तो नज़ारा देखने आए ही नहीं, हम तो रिशु के चड्डी देखने आए हैं ना। और बेड इतना अच्छा है कि सोने का मन कर रहा है, मौसम ऐसा ही है।
ये चारों तरफ से कोहरा कोहरा है, ठंड है, ऐसे सिर्फ खाना खाओ, गरम गरम खाना खाओ, चाय पियो, पकौड़े खाओ और सो जाओ, ऐसा है। लेकिन अगर आपके पास बेबी है तो ये ड्रीम के जैसे रहेगा, जब मतलब हम आँख खोल के देख रहे हैं, रिक्शु को देख ही रहे और मम्मी पापा को थोड़ा सा बता रहे कि ऐसे ऐसी है जगह ऐसे, तो देखेंगे अगर कभी ऐसे मौका होगा तो सब मिल के आएंगे फिर से। लेकिन जगह एक्चुअली बहुत अच्छी। तूने तो कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा खाया, तुझे नींदू आई, वहां से तू गिर जाता। तूने गाना सुना, अच्छा लगा? बोलो गाइस गुड नाइट। भागो, बारिश थोड़ा सा, किसी कर देता हूँ बाबू का, किसी करो। With music, थोड़ा जानते तो पहले जाके बैठ जाते ऐसे, है ना, सामने ही बैठ जाते ऐसे। तो जैसा हुआ जितना भी सुने बहुत अच्छा लगा, और आज की ब्लॉग हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो बाहर बहुत सारे लोग आ रहे थे तो हम शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाए ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा अभी कैमरा का जो है कि जो लाज है कैमरा को पकड़ के कुछ बोलना, वो अभी तक नहीं गया है हमारे अंदर से, वो अच्छे से नहीं निकला है, तो दर्शन नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे हम आज का ब्लॉग ख़त्म ही कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा था आज का रात, ये मतलब डिनर का टाइम, मतलब डिनर तो अच्छे से हमने किया ही नहीं क्योंकि अच्छे से हजम नहीं हुआ है मेरा और रिशु का स्पेशली, तो सलीद भी थोड़े ही लिए, तो मैं तो सिर्फ फीस खा के ही आई और कुछ ली नहीं।